तो केवल एक ही केवल ईसाई ही धर्मांतरण नहीं है। आज हमारा जो इतिहास देखें या सेंसस का रिपोर्ट देखें तो हिंदू भी एक धर्मांतरण ही है। दूसरा क्यों कि 1871 में शुरुआत हमारी जो जनगणना हुई अंग्रेजों के समय में, ये सेंसस का रिपोर्ट, मेरा कोई कहना नहीं है, सेंसस की रिपोर्ट 1871 में आदिवासियों का अलग कलम, 1881 में अलग कलम था, 91 में अलग कलम था, 1901 में अलग कलम था, 1951 तक अलग कलम था, और वो कलम अभी 1961-62 में लुप्त कर दिया गया। तो आज मजबूरन में हमारे कलम नहीं होने से हमको हिंदू भी लिखना पड़ रहा है, तो ये भी तो धर्मांतरण ही है, केवल ईसाई नहीं। यह भी कई मजबूर होकर के लोग, जब हमारा अलग से धर्म कोड नहीं है, इसको लेकर के अन्य धर्म में जा रहे हैं, तो हम तो ये भी धर्मांतरण है और वो भी धर्मांतरण है। इसलिए अभी पूरा 17 देश के जो आदिवासी समाज यहाँ रायपुर में बैठे थे, और 17 ने प्रदेश के लोग और 17 प्रदेश के लोग निर्णय किए हैं, आने वाले जनगणना तक हमको सरकार है जो 1951 में हमारा धर्म कोड था, उस धर्म कोड को यथावत करें, अन्यथा हम अपना जो 19 अभी जो जनगणना होगा उसमें अपने धर्म कालम में आदिवासी या ट्राइबल लिखें। सर, ये जो आपने कहा हिंदू भी एक धर्मांतरण है, तो आदिवासी और हिंदू के जो परिभाषा, इसको बताएं कि ये क्या है पूरा मामला। यदि आप परिभाषा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मीडिया वाले हो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपने नहीं सुना है? सुने हैं, सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आदिवासियों का जो रीति रिवाज और कल्चर हिंदू धर्म से अलग है। अब मैं उदाहरण बता रहा हूँ, हमारी जो शादी होती है, शादी में कैसा फेरा पड़ता है, लेफ्ट है, राइट से लेफ्ट जाता है, और बाकी में राइट से लेफ्ट जाता है। हमारे में महिला जो मैंने लड़कियां जो बैठती हैं राइट में बैठती हैं, लेफ्ट में होता है, इनमें सब उल्टा चलता है। तो हमारा उनके रीति रिवाज से कहाँ मिलता जुलता है, कहीं मेल नहीं खाता है, सब में अलग है। तो अब उनके साथ मेल अलग है तो हम कहाँ हो गए। इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग भी पत्रकार हैं, पत्रकार जो आते हैं, आप लोग को जजमेंट को पढ़ना चाहिए। जजमेंट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं मान रहा है हमको, तो फिर हम क्या है, सुप्रीम कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है।